अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तीन डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक कर दें। पहली डेवलपमेंट दोस्तों IMF की तरफ से आ रही है और 6 अरब डॉलर की जो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को दी गई थी, इसको लेकर ये इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि जो छठी ट्रांची होनी थी इसे अप्रूव कर दिया गया IMF बोर्ड की जानिब से। अब इसे खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक है, बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे कि ये भी कोई खुशखबरी क्या है कि कर्ज़ा अप्रूव हो चुका है, जो इसकी एक ट्रांजेक्शन होनी है वो मज़ीद अप्रूव हो चुकी है, तो इसमें खुशखबरी क्या है। तो असल में दोस्तों रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टर हैं दुनिया भर के, वो IMF के प्रोग्राम को देखते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इन्वेस्टरों का इत्माद बहाल होता है IMF का अगर तो प्रोग्राम हो। तो इस रीज़न की वजह से जो IMF का प्रोग्राम है ये काफ़ी अहमियत अख्तियार कर जाता है और ये फिर ज़रूरी बन जाता है कि ये IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान में चले और मुकम्मल हो। खैर, यहाँ जो टोटल डिस्पर्समेंट अब हो जाएगी ये कोई 3 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएगी। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी मज़ीद इस तरह के रिव्यू प्रोसेस होंगे और जो अगला रिव्यू प्रोसेस स्केड्यूल किया जाएगा ये किया जाएगा अप्रैल 2022 में, और इसमें 7वीं जो इवेल्युएशन होगी ये फ्राहम की जाएगी पाकिस्तान को, और इसके बाद कर्जे की किस्त जारी होगी। और जो आखिरी 8वां रिव्यू प्रोसेस होगा ये सितंबर 2022 में IMF का बोर्ड मुकम्मल करेगा और इसके बाद फिर अगली किस्त जारी की जाएगी। तो इस तरह ये और भी जो दो किस्तें आनी हैं वो रिव्यू प्रोसेस के बाद आएंगी। अभी वाला जो रिव्यू प्रोसेस है ये जनवरी के एंड में और फरवरी के पहले 1-2 दिन के अंदर ही मुकम्मल किया गया है। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट थी। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये डेवलपमेंट दोस्तों पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ और इसमें सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट की बात करता हूँ। अगर तो मंथ ऑन मंथ बेसिस देखा जाए तो 30.1% ट्रेड डेफिसिट कम हो चुका है। मंथ ऑन मंथ बेसिस से मुराद ये है कि अगर तो दिसंबर में देखा जाए और इसके बाद जो जनवरी शुरू हो गया था उस दोनों का कंपेरिज़न किया जाए, तो यहाँ अगर दिसंबर में देखा जाए तो 4.816 अरब डॉलर का था ट्रेड डेफिसिट, और अब जनवरी में ये कम होकर 3.362 अरब डॉलर का रह गया, तो यानी ये कम हुआ 30%। तो इस तरह ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब दोस्तों अगर तो ओवरऑल एक्सपोर्ट की भी बात की जाए तो एक्सपोर्ट में कोई 23.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है इन 7 माह के दौरान, जो मैंने अभी आपको बताया जुलाई से जनवरी तक। तो ये 17.671 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रही, जबकि पिछली बार अगर जुलाई से जनवरी तक देखा जाए तो ये 14.255 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, यानी 23.9% इंक्रीज सामने आ चुका है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को अगर देखा जाए। दूसरी जानिब दोस्तों इम्पोर्ट भी असल में बहुत बढ़ गई है। एक्सपोर्ट तो चलें 23.9% यानी तकरीबन 24% बढ़ गया है, लेकिन जो इम्पोर्ट है इस टाइम के अंदर ये 58.8% तक बढ़ चुकी है। तो 58% जब इम्पोर्ट बढ़ जाएगी और 24% एक्सपोर्ट बनेगी तो इससे फिर बोझ बढ़ जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। असल में दोस्तों इसमें कुछ रीज़न ये भी है कि जो एक होता है ना एंड पॉइंट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान में वो नहीं होती। जैसा कि इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में सियालकोट की इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है, स्पोर्टवियर के लिहाज से भी और बाकी आइटम के लिहाज से भी। अब स्पोर्टवियर में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो चाइना से आता है, यानी पहले तो वो चाइना से इंपोर्ट होगा और इसके बाद यहाँ की इंडस्ट्री रन होगी। यानी अगर कपड़ा भी पाकिस्तान में बने तो वो असल में पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा देगा। तो इस तरह फिर अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ती है तो इंपोर्ट के ऊपर भी असर पड़ता है हमेशा। तो एंड पॉइंट के ऊपर भी अगर पाकिस्तान या स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक अगर पाकिस्तान मुकम्मल मैनुफैक्चरिंग नहीं करेगा तो इम्पोर्ट बढ़ती रहेगी। तो खैर, 7 माह के अंदर जो इम्पोर्ट हुई है ये 40.47 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है, जबकि पिछली बार ये 29.257 अरब डॉलर थी, तो उसमें भी अच्छा खासा अजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक्सपोर्ट की निस्बत ये डबल हो चुका है। तो ये एक दोस्तों डेवलपमेंट सामने आ रही थी। अब दोस्तों एक अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों कराची भी अपनी पहली जो जिप लाइन होगी ये हासिल करेगा और इसे बाग इबन कासिम के ऊपर ही बनाया जाएगा गालबन, या उस पॉइंट के ऊपर इसका एंड होगा।
तो ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से डिसाइड किया गया कि एक जिप लाइन कराची में भी बनाई जाए, तो ये क्लिफ्टन के करीबी होगी और इसे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ और जो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं इसके तनाजुर में बनाया जाएगा और ये आम पब्लिक के लिए डेवलपमेंट की जाएगी। अगर इसकी दोस्तों लेंथ की बात की जाए तो 3000 फीट यानी 3000 फीट इसकी लंबाई होगी, और अगर इसकी देखा जाए कहाँ से कहाँ तक होगी तो ये कोथरी परेड से लेकर बाग इबन कासिम तक होगी। तो ये बाग इबन कासिम इसकी गालबन बाउंड्री वाल तक ये जाएगी, तो ये क्लिफ्टन बीच रोड तक कहा जा सकता है जाएगी। तो इस तरह ये 3000 फीट की एक लंबी लाइन बनाई जाएगी ताकि जो कराची के लोग हैं उन्हें भी फैसिलिटेट किया जा सके और उन्हें एक नई तफरी फ्राहम की जा सके। अब दोस्तों यहाँ जो डेवलपमेंट हो चुकी है वो ये हो चुकी है कि जो पार्क और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से जो बिड्स वगैरह होनी है कंपनीज़ की, इसके लिए इन्वाइट किया जा चुका है कंपनीज़ को, और इसमें ये कहा गया है कि वो कंपनीज़ ऑपरेट भी करेंगी और इंस्टॉल भी करेंगी 10 साल टाइम के लिए इस जिप लाइन को। तो 10 साल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, एग्रीमेंट होगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बेस्ट सूटेबल और मुकम्मल कम तरीन रेट फ्राहम करेगा यकीनन उसे ही इसका ठेका दिया जाएगा, और 22 फरवरी तक इसकी डेट रखी गई है फिजिबिलिटी स्टडी की भी, और इसका जो मुकम्मल प्लान है जो कि बिल्डिंग प्रोसेस होगा उसकी, और इसमें जो बिल्डिंग प्रोसेस होगा उसमें मुकम्मल इसकी इंस्टॉलेशन, इसका डिज़ाइन, इसकी फिजिबिलिटी और इसका टाइम जो रिक्वायर होगा इसे बनाने में, और इसकी इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा सभी कुछ शामिल होगा। तो डिफरेंट कंपनीज 22 फरवरी तक इसकी जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेंगी, और इसके बाद इंशाल्लाह काफ़ी मालूमात सामने आएगी और इसके ऊपर काम का आगाज़ होगा। यहाँ दोस्तों ये भी बात आप याद रखें कि ये पाकिस्तान में लगाई जाने वाली तीसरी जिप लाइन होगी। अभी तक जो पाकिस्तान में 2 लगाई जा चुकी हैं, इसमें एक मालम जब्बा और एक गालबन इस्लामाबाद के इलाके में बनती है, तो जो तीसरी होगी वो इंशाल्लाह अब कराची में बनाई जाएगी। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट सामने आ रही थी, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।